Guys, करना वैसे दो हफ्ते बीत चुके हैं जनवरी स्टार्ट होते हुए बट स्टिल ब्लॉग में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर ही देती हूँ तो आपको टाइटल और देख के समझ ही गया होगा की आज हम क्या करने वाले हैं आज हम एक चैलेंज करने वाला है। और इस चैलेंज का नाम है आई विल ओनली ईट ग्रीन फूड फॉर द नेक्स्ट 24 फोर आवर्स फ्रॉ जोमैटो तो ग्रीन फूड तो हमें घर पे आराम से मिल जाता है लाइक दाल रहती है मूंग दाल रहती है भिंडी रहती है बीन्स रहती है बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ही घर पे मिल जाते हैं बट मैंने एक थोड़ा चैलेंज लिया मैंने सोचा कि जोमैटो पे देखते हैं कि ग्रीन कलर का कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता है तो मैंने रात में रिसर्च किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एंड मुझे आइटम्स मिल गए थे अब मुझे देखना है कि वो सची में ग्रीन आएंगे कि नहीं आएंगे तो अभी 12 बज गए ऑलवेज मैं बहुत देर से ऑफिस आई हूँ सुबह से ही आई और मेरा आज ऑफिस का काम सब कुछ हो गया है एंड मैं सोचा अभी जल्दी घर जाऊंगी क्योंकि मुझे वीडियो बना रहा है सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी बहुत जोर की भूख लगी है तो मैं सोच घर जाके फट से ऑर्डर करती हूँ एंड मैं आपको पूरा लाइक ये वीडियो में मैं क्या ऑर्डर कर रही करी कैसे ऑर्डर कर रही करू कहाँ से ऑर्डर कर रही हूं, सब कुछ आपको बताऊंगी सो so, घर जाते हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मंगवाते हैं तो कहीं अभी मैं घर आ चुकी हूँ और अपनी जगह में बैठ चुकी हूँ जहां पे मैं नॉर्मली वीडियोस बनाती हूँ यहाँ पे कोई भी बैठा रहा है कुछ काम करते रहे उसे हटना ही पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई और जगह है नहीं यही एक अच्छी जगह है जहाँ पे मैं वीडियोस बना पाती हूँ तो अभी ना ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ना ज्यादा टाइम बाकी नहीं लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि बारह बज गए तो मुझे ऑफिस में अभी ऑलमोस्ट साढ़े बारह बजने वाला है और एक घंटे बाद लंच का टाइम हो ही जाता है तो आई वॉज थिंकिंग ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ना लाइक लाइट मंगवाती हूँ कि मुझे एक घंटे बाद भूख लग जाए तो मैं लंच मंगवा लेती हूँ ड्रंकिन मंकी सुना ही होगा आई गेस ये नागपुर में है कि और भी जगह आई डोंट नो लेकिन नागपुर में यहाँ पे एक दो ब्रांचेस है ड्रंकिन मंकी की तो वहां पे मैंने एक ड्रिंक देखी थी द पॉप तो उसकी इमेज भी मैं ऐड कर देती हूँ इसका कलर काफ़ी ग्रीन था तो मैंने सोचा ये ऑर्डर करते हैं एंड ये थोड़ा सा लाइट भी रहेगा लाइक स्पिनिज स्मूदी स्पिनिज ग्रेप स्मूदी आई गेस मुझे वैसे इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है स्पिनिज और ग्रेप स्मूदी स्मूदी नहीं जूस जो भी है पीने का लेकिन स्टिल अब वही दिख रहा है मुझे ज़्यादा ग्रीन तो वही ऑर्डर कर लेता है मैंने ना ड्रंकिन मंकी से पहले भी ऑर्डर किया है एंड मैंने उनकी शायद से ना ट्रॉपिकल चारकोल स्मूदी बोल ट्राई की है वो जो थोड़ी ब्लैक कलर की लाइक चारकोल जैसे कलर की है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी बाकी मैंने इस दर का कुछ भी ट्राई नहीं किया है यहाँ पे एक और है आयरन मैन ग्रीन मील बट ये शायद से मुझे लग रहा है हैवी हो जाएगी क्योंकि इसमें अब कैरेट एप्पल बनाना चिया सीड्स वगैरह वगैरह है तो आई थिंक सो मुझे ये द पॉपय ड्रिंक की ट्राई करना पड़ेगा इसका प्राइस है रुपीज वन नाएं। इसमें आ, विद ग्रीन ग्रेप्स, मिंट एंड चिया सीड्स वगैरह है एंड कैलरीज भी कम दिख रही है मतलब नहीं क्योंकि हम लोग वैसे ही आज खाने का चैलेंज कर रहे हो और अटपटा चीज हम खा ही सब कुछ तो ये ऑर्डर कर लेते हैं फट से आप so तो वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हमारी ये ड्रिंक आ चुकी है द पॉपॉय ड्रिंक फ्रॉम ड्रंकन मंकी तो ये इमेज में काफी ज्यादा ग्रीन दिख रही थी ये ग्रीन है बट वो इमेज से कम है इनकी पैकेजिंग बहुत क्यूट लगी मुझे बहुत अच्छे से शेक हो गया है ये एंड अब इससे ट्राई करके देखते हैं हम्म hmm. स्पिनिज का बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है मैं कुकर का जूस पी रही हूँ थोड़ा सा खट्टा है टेस्ट में और इसमें शुगर ऐड नहीं किए इसलिए शायद खट्टा लग रहा है मैं डेली भी पी सकती हूँ इनको अच्छा लगा यह अभी मेरा पेट तब भी भरा नहीं है तो मैंने सोचा मैं लंच भी ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे ना ऐसा होता है लाइक जूसेस वगैरह पीते है ना तो मुझे और भूख लगती है आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि नहीं लेकिन मेरे साथ बहुत बार होता है ये चीज में मुझे पास्ता खाने की काफ़ी इच्छा हो रही है एंड पेस्टो पास्ता से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक बार मैंने घर पे, पे पेस्टो सॉस बनाने का ट्राई की थी तो मैंने नॉर्मल जो जिससे बेजल लीव से बनता है स्वीट बेजल लीव से पेस्टो सॉस बनता है मैंने तुलसी की पत्ती से बनाया था वो भी बेसिकली बोलते हैं उसे तो मेरे फैमिली को इतना बेकार लगा था ना इसलिए उनको पेस्टो से नफरत है लेकिन पेस्टो सॉस काफ़ी अच्छा रहता है कैफे वगैरह में मुझे तो काफ़ी पसंद है तो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ पेस्टो सॉस स्पेगेटी ऑप्शन तो काफ़ी थे पेस्टो पास्ता मंगवाने के लिए लेकिन मैंने ना थ्री बीन्स की पेस्टो सॉसपैगेटी so, खाई है पहले भी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं वहीं से ही ऑर्डर करती हूँ तो अब पहले इनके इसमें से सर्च करते कि ये कहाँ पे है तो so गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन है एक है थ्री बीन स्पेशल पास्ता और एक है स्पेगेटी बेजल पेस्टो पास्ता दोनों ग्रीन कलर के हैं बट आई एम थिंकिंग कि मैं मुझे स्पेगेटी खाने की इच्छा हो रही तो मैं स्पेगेटी ऑर्डर करती हूँ ऑर्डर कर लिया हमने प्लेस और जब आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी वो कैसा आता है हमारी स्पेगेटी आ चुकी है और आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा ग्रीन है तो ये आप देख सकते हो ये इतना बड़ा पॉट है जिसमें पूरा स्पेगेटी भरी है बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी है इन्होंने यहाँ पे गार्लिक ब्रेड भी दी है मुझे एंड यहाँ पे चिली फ्लेक्स पिज्जा मिक्स ये सारे पैकेट भी दिए है यम है बहुत ज्यादा टेस्टी है बट इसमें मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है आई थिंक सो मुझे वो पिज्जा मिक्स डालना ही पड़ेगा इसमें एग्जैक्टली सिक्स ओ हो रहे हैं मैंने डेढ़ बजे लंच किया था एंड उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया मुझे टाइम का ही पता नहीं चला क्योंकि मैं इतनी बिजी थी अपने वीडियोस एडिट करने में कि कुछ पता ही नहीं चला भूख भूख भी नहीं लग रही थी एंड मुझे पता नहीं वो स्पेगेटी खाने के बाद कुछ अजीब सा फील हो रहा था लाइक वो जूस और स्पेगेटी साथ साथ में हो होंगे तो शायद से कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे तो अभी भी वैसे मुझे कुछ खाने का तो है नहीं इंटरेस्ट लेकिन चाय वगैरह हम पी सकते हैं एंड स्नैक्स में माचा टी अगर मिल गई तो मज़ा आ जाएगी वैसे मैंने माचा ट्राई किया है मुझे ओके ही लगा उतना पसंद नहीं है लेकिन मैंने कभी माचा टी ट्राई कभी नहीं किया है मैंने माचा फ्रापाचिनो ट्राई की थी स्टार बक्स से तो मुझे एक लाइक एक रेस्टोरेंट मिला है जोमेटो पर जहाँ पे ये अवेलेबल है आप वहां से ऑर्डर करते हैं जस्ट अभी मैं आ, इस पर देखी रही थी माचा टी की वो ओपन है कि नहीं जो भी प्लेस मैंने देखी थी कल तो ये है सकुराज द वर्ल्ड सॉरी द बबल वर्ल्ड तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है माचा बबल टी सो यहाँ पे दो है माचा बबल टी ओके ओके एक, एक इसमें टू फिफ्टी मिलेगा एंड सेकेंड इसमें थ्री फिफ्टी हमें इतना तो ज़्यादा पीना नहीं है तो हम वन वो टू फिफ्टी एम वाला ही ऑर्डर कर देते हैं मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी लाइक वन नाइन्टी फाइव की सिर्फ टी ये तो ज़्यादा ही हो जाता है तब तो मैं तो स्टारबक्स से मार्च ऑफ आप चीज़ें पी लेती थी सो तो इसे ओपन करता है एंड देखता हाँ ये बबल टी है ये पूरी ग्रीन कलर की है यहाँ पे लिखा है सकूराज इसमें उन्होंने क्या बोलते हैं ना बोबा बोबा भी डाल के रखा है मैंने कभी बोबा ट्राई नहीं किया तो ये पहला पहली बार होगा मेरा बबल टी टी ट्राई करने का नहीं रहे टी हो गया माचा इज नॉट माय फेवरेट टी अच्छी है मीठी है इसलिए मुझे अच्छी लग रही है अब हो गया डिनर टाइम और मुझे भूख भी लगना शुरू हो गई क्योंकि 9:30 होने वाले हैं तो जो ये चैलेंज जिस चीज़ को देख के मैंने ये चैलेंज किया था वो अभी ऑर्डर करने का टाइम आ गया है और मैं आपको बताती हूँ मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ तो मैंने ना एक जोमेटो पे बर्गर देखा था जो था ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का बन लाइक वैसा पूरा वैसा दिख रहा था मुझे बहुत इच्छा हो गई कि यार मैं यही चैलेंज करती तो मुझे ये भी खाने को मिलेगा तो एक लाइक 420 बर्गर जॉइंट है उधर दो बर्गर्स है एक स्पाइसी पनीर बर्गर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक यूनिवर्सिटी वेज बर्गर जो भी ग्रीन कलर का ही है एंड दोनों में बस शायद से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का फिर यूनिवर्सिटी वेज बर्गर मंगाऊंगी वो का मम्मी को पसंद है पनीर वाला नहीं मैं अभी एक ही करूँगी देखते हैं <laughs> मम्मी नाटक कर रही है तो एक काम करती हूँ मैं दोनों ऑर्डर कर लेती हूँ पनीर वाला एंड वो वो वाला एंड जब आता है तो मैं देखते हैं मतलब आता है तो मैं आपको बताऊंगी और देखते हैं ग्रीन कलर के आएगी कि नहीं क्योंकि इमेज तो उन्होंने ग्रीन डाला है अब आई डोंट नो व्हाट विल लेट्स सी गाइस तो इमेज में वो बर्गर ग्रीन दिख रहा था लेकिन उन्होंने नॉर्मल बर्गर दे दिया है अब मैं इसका क्या करूं मेरे इतनी उम्मीद उम्मीदों पे पानी फेर दिया उन्होंने हाँ बर्गर काफी अच्छा दिख रहा है बड़ा है लेकिन उन्होंने इमेज में ग्रीन बर्गर दिखाया था इसलिए तो मैं ये चैलेंज करी थी कि मैं वो ग्रीन बर्गर खाऊंगी लेकिन नहीं यार उल्टा ही हो गया मैं क्या करूँ अब ये मुझे बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा बारी है डेजर्ट की जब मैं लाइक डिनर का आइटम बुक कर रही थी तो तभी मैंने डेजर्ट का भी आइटम बुक कर दिया था एंड मैंने मंगवाया है आइसक्रीम क्योंकि तो मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था तो मैंने और और भी उसे इन्होंने केक लिंक का दे दिया है और भी उसे मैंने आइसक्रीम्स मंगवाई है सो so, मैंने दो आइसक्रीम तो अपने लिए मंगाई थी मतलब पूरे घर वालों के लिए मंगवा दिए लेकिन ग्रीन कलर की जो मुझे मिली वो मैंने मंगवा ली है मुझे पता नहीं था कि केकलिंग्स वालों का ही और भी हो है मुझे मेरी बहन ने बताया तो सॉरी मेरा मजाक मत बनाना कि <laughs> okay, ये वाली है गुआवा वाली आइसक्रीम जो मेरे पापा के लिए मंगवाई थी केसर पिस्ता है गैस ये है, है बेल्जियन चॉकलेट मेरी बहन के लिए वैसे मुझे भी ये वाली पसंद है पान आइसक्रीम आप देख सकते हो पूरी ग्रीन कलर की है ग्रीन कलर की है एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पान वाली आइसक्रीम ट्राई करने का क्योंकि मैंने कब भी नहीं खाया है खुशबू तो इसकी अच्छी आ रही है सॉर्ट ऑफ लेट्स ट्राई दिस थोड़ा सा हल्का सा ही पान का टेस्ट आ रहा है ऐसे ज्यादा नहीं आ रहा है लेकिन तो यहाँ पे हम ब्लॉग एंड करते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में बाय